रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाए, तो कुछ ऐसा ही सीन हुआ भी मेरे साथ भी। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, गुड एंड ऑसम। तो काफ़ी दिन बाद आज व्लॉग बन रही है। इधर मैं कहीं निकल भी नहीं रहा हूँ, सो इस वजह से एंड छोटी छोटी दो व्लॉग्स मैंने डाली है छोटी सी, तो वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली है, तो लिंक बायो में आप जाके देखिए। आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वहाँ पे कीजिए, शो सम लव। एंड या मैंने सोचा है कि इंस्टाग्राम पे मैं छोटी छोटी वीडियोस डालते रहूँ, मतलब छोटी, लाइक इट विल बी अराउंड 5 मिनट्स के आसपास की जो व्लॉग्स बनेगी। कभी कभी होती है व्लॉग्स बहुत छोटी बनती है, सो या मैंने सोचा कि वैसी छोटी वीडियोस एंड ब्लॉग्स मैं इंस्टाग्राम पे डालूं, क्योंकि यहाँ डालूंगा तो मेरा प्लानिंग है कि यहाँ डालूं तो एटलीस्ट थोड़ा बड़ा एंड थोड़ा इंटरेस्टिंग डालूं। अभी तो वैसे बारिश हो रही है, मेरे को जाना था बाहर, मतलब कुछ खास नहीं है ऐसी, आज वैसे भी कुछ खास नहीं है, या अभी तो बारिश रुकती है तो फिर निकलते हैं बाहर पहले। और बारिश आई थिंक रुक चुकी है, या बारिश तो अभी रुक चुकी है, अभी नहीं हो रही है तो मौका अच्छा है, तब मार देता हूँ मूवी। अच्छा है, काफ़ी दिन से यहाँ से ही गर्मी पड़ रही थी, धीरे धीरे मतलब ह्यूमिड वेदर होते जा रहा था, तो सही है कि थोड़ी बारिश हो गई। सर इसी आई थिंक ड्रिजलिंग हो रही है, इट्स वेरी स्लाइट, तेज़ बारिश ना हो, और वो वेनिस तो बनते जा रहा है धीरे धीरे, गोला रोड को डिक्लेयर कर देना चाहिए। बारिश होने लगी थी, मैं दुकान पे पहुंचा एंड बारिश होने लगी थी, सो इसलिए वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई। किसी तरह तो मैंने अपना माइक बचा लिया, ज़्यादा कुछ माइक में मतलब कुछ हुआ नहीं, वो तो माइक बचा लिया। एक्चुअली मेरे को प्लास्टिक मांगनी पड़ी, क्योंकि यू नो माइक बचाना ज़रूरी है। अभी बारिश तो हो रही है, अचानक से होने लगी, ऐसे इतने दिन से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, आज सडनली होने लगी। एंड मैंने मतलब मम्मी बता रही थी कि उन्होंने पेपर में पढ़ा कि 48 आवर्स तक का एक अलर्ट है कि 48 आवर हो सकता है कंटिन्यूस बारिश हो। होप ना हो यार, या तो मतलब कंटिन्यूस ना हो, ऐसे रुक रुक के थोड़ा बहुत ठीक है चलो हो सकती है, इन ऐसे कंटिन्यूस ना हो, बिकॉज एंड नहीं तो गर्मी, नहीं तो बारिश, नहीं तो कोरोना, कुछ ना कुछ है जो मतलब क्या ही बोले थे यार, अलग ही लेवल का बोरियत मचा हुआ है, कुछ है ही नहीं करने को, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। एंड यह बात रहा अगले महीने से एग्ज़ाम है, कॉलेज खुलने का कुछ ऐसा पता नहीं है कब खुलेगा यार, आई होप के शायद 3rd सेमेस्टर से खुल जाए, ऐसे बहुत टेंशन हो रखी है। हम लोग का प्लान भी था कि बाहर जाएँ, बट बारिश होने लगी है एंड प्लस कुछ रिलेटिव्स भी आ रहे हैं, तो यह हो सकता है उस वजह से ना जा पाए, लेकिन हाँ बारिश इज़ द मेन रीज़न कि बारिश की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, बहुत प्लान ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, क्या ही कोई करे, अभी तो घर पे सब आए हुए हैं, एक्चुअली मेरे थोड़े रिलेटिव आए हुए हैं, एंड या अभी मैं जा रहा हूँ बाहर थोड़ा माइंड फ्रेश कर रहे। कैसे आ रहे जी, कैसे चला रहे थे? मौसम बहुत सही है, मौसम बहुत सेक्सी हुआ हुआ है, बहुत ख़तरनाक मौसम है, एंड प्रिडिक्शन था 48 आवर्स का बारिश का, लेकिन मेरे को नहीं लगता मौसम देख के कि अब 48 आवर बारिश होगी, बट कुछ कह नहीं सकते मौसम का। यहाँ मौसम अभी कुछ दिन से यहाँ बहुत ज़्यादा ही ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, मतलब एक दिन गर्मी अगले दिन बारिश, तो ऐसे बहुत हो रहे हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, तो होप अभी ना ही हो बारिश ज़्यादा, क्योंकि ऐसे ही पानी हो गए। आप जा रहे हो बहुत बढ़िया से एंड रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाए, तो कुछ ऐसा ही सीन हुआ अभी मेरे साथ भी, एंड रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गई है, सो इस वजह से हम लोग को वापस जाना पड़ रहा है। प्लान था थोड़ा ऐसे ही निकले, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, बारिश के बाद का मौसम है तो बहुत सही था मौसम, तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना लेट्स गो फॉर शॉर्ट राइड, बट यू नो पेट्रोल ही ख़त्म हो गई, तो ठीक है कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब वापस घर जा रहा हूँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं फल लेने मेरे मामा और मेरा भाई के साथ,
वी आर गोइंग टुवर्ड्स गोला रोड। कम से कम कितना 150 किलोमीटर की वॉक हो गई होगी, आने जाने का प्लस करते तो वही 4 किलोमीटर तो प्लस वॉक हो गई। तो अच्छा इवनिंग वॉक हो गई। वी आर हैविंग आवर चिकन रोल। सो यहाँ का चिकन रोल बहुत बढ़िया होता है, गोला रोड की मोड़ पे ही है मेरे घर से, बस 2 किलोमीटर होगा, एकदम मोड़ पे ही है। तो यहाँ का चिकन रोल बहुत बढ़िया होता है। प्राइस का बात करूँ तो ठीक है, प्राइस एवरेज है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, बट हाँ क्वालिटी बहुत सही रहती है यहाँ की। एंड यू कैन ट्राई ऑल्सो, ये हम लोग बहुत खाते थे शुरुआत में, अभी तो लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा नहीं खा पा रहे, शुरुआत में हम लोग बहुत खाए रहते थे यहाँ। इट्स लाइक वी नेवर रिग्रेट, मतलब बहुत सही खिलाता है। एंड या मतलब क्वांटिटी रहता है, सबसे बड़ी बात है क्वांटिटी, क्योंकि बाकी जगह क्या है कि जो स्टफिंग रहता है अंदर वो ज़्यादा वो लोग नहीं डालते हैं, बट वहाँ पे क्वांटिटी लाइक हाँ एक अच्छी क्वांटिटी रहती है। और एक बार मैंने मंगाया था स्विगी से, तो वो दो जगह की मेरे को बहुत है, उसकी भी क्वांटिटी अच्छी थी और स्वाद, तो वो दो जगह की मेरे को अब तक बहुत सही लगी है यहाँ पे। अरे यहाँ का हालत भाई, 6-7 बजे यहाँ एकदम जाम लग जाती है, एफिशिएंसी क्राउड बहुत बढ़ जाता है इधर, बट लॉकडाउन में ड्यूरिंग लॉकडाउन यहाँ एकदम खास, मतलब 6-7 बजे तो भाई गिन के उंगलियों में गिन सकते हैं कार अगर आप 1 घंटे बैठ जाओ। तो यहाँ ऐसा सीन था, बट अभी तो इट्स प्रॉपर, जो प्रॉपर लॉकडाउन से पहले का जो सीन था वो हो चुका है। एंड अच्छा भी लग रहा है देख के कि चलो हाँ, तो लग रही है थोड़ी सी गर्मी बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वॉक हो गया है। एंड अप्रॉक्स हमने कितना 2-3 किलोमीटर के तो वॉक आराम से कर ही ली होगी, एंड अभी आई थिंक और 600 मीटर और बाकी है अभी। तो हम लोग इधर है मेरे मामा उसमें कन्फेक्शनरी शॉप, मेरा भाई इसमें है मेडिकल शॉप। सो यहाँ आते हैं फिर देखते हैं आगे क्या सीन होता है। हवा चल रही है, मतलब बहुत स्लो चल रही है, लेकिन चलो बहुत सही चल रही है, गर्मी एटलीस्ट उतनी नहीं लग रही है, लेकिन हाँ स्टिल पसीना पसीना हो गया काफ़ी। सो गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स नेक्स्ट डे। एक्चुअली कल मैं सो गया कि मेरा प्लान था जल्दी उठने का, भले ही वो हो नहीं पाया डेट डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं सोचा कि आज जल्दी उठूँगा, बट या कल थोड़ा मैं थक भी गया था एक्चुअली, पता नहीं क्यों संडे था ना, एक्चुअली मेरा पूरा वीक तो कॉलेज के ये वो में चला जाता है, इसलिए संडे था, तो शायद पूरे वीक का थकान लेके मैं सोया था। तो या सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शो सम लव by commenting and bell icon ज़रूर दबा दीजिएगा। सो या इसी नोट के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।